जय श्री कृष्णा। मानपूर्ण रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे उड़द दाल के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप उड़द की दाल, जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है और ये कुछ इस तरीके की है, देखिए। और इसके बाद अब हम इसका एक पाउडर बना लेंगे मिक्सर में डालकर, जो कि कुछ इस तरीके का बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं घी, और घी को हम गर्म होने देंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून गोंद, जिसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे घी के अंदर, और घी मेल्ट होने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने ऐड कर दिया है गोंद और इसको हम कर देंगे अच्छे से फ्राई। तो अब धीरे धीरे हमारा गोंद जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, एकदम अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको एक अलग बाउल में निकाल लूँगी इस तरीके से लेके, ताकि घी जो है वो नीचे कढ़ाई में रह जाए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम बादाम। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 25 से 30 बादाम, तो इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उड़द दाल होती है जिसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हमारे शरीर को गर्म रखती है, और साथ ही हम अगर सर्दियों में इसका सेवन करेंगे तो सर्दियों की समस्या से छुटकारा मिलता है, और साथ ही ये हड्डियों को मजबूत रखती है। और अब जब बादाम फ्राई हो चुके हैं तो हम इनको भी बॉल में निकाल लेंगे अलग। और ये मैंने यहाँ पर ली है 15 से 20 काली मिर्च, तो इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद हम इनको फिर से एक बॉल में निकाल देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है घी, आप ज़रूरत के अनुसार घी डालें। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी लिया है, आप घी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी ले लिया, और हम अब ये जो उड़द दाल है हमने जो पीस ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमें इसको अच्छे से सेकना है, तो हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ये कच्चा ना रह जाए, इसलिए लो फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे, और अगर ज़्यादा तेज़ कर दिया तो ये जल जाएगा। तो अब जो आटा है वो अच्छे से भून चुका है हमारा, तो इसे भूनने में हमें लगभग 10 मिनट लगे हैं, जितने क्वांटिटी होगी उतना टाइम लगेगा। तो ये हमारा अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गोला, जिसको मैंने लिया है 50 ग्राम के करीब, और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, इस तरीके से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम ऑफ है, मैंने ऑन नहीं करी हुई है, तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। इस दाल के आप फास्ट फूड ना बनाकर आप उड़द दाल के लड्डू या फिर दाल खाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये मैंने काली मिर्च जो भुनी थी वो हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छे से। सारी काली मिर्च जो हमने सारी इसमें ऐड कर दी, काली मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। और ये गोंद है जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया, तो कुछ इस तरीके से स्पून से करके दबा कर हम इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बादाम फ्राई किए थे वो मैंने दरदरे इस तरीके से कूट लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सारा मिक्सचर जो है हमने बनाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उड़द दाल के अंदर मैग्नीशियम होता है जो हार्ट प्रॉब्लम से बचाता है, इसलिए उड़द दाल का सेवन करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये मैंने यहाँ पर लिए 100 ग्राम के आसपास चीनी, चीनी का बूरा है, मैंने नॉर्मल चीनी को पीस लिया था मिक्सी में, वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको चीनी कम या ज़्यादा लगे तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, मीठा खाना कम पसंद है तो चीनी को कम किया जा सकता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लड्डू बना लेते हैं। तो ये हमने लड्डू बांध दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उन्हें उड़द दाल के लड्डू खाने चाहिए, सर्दियों में खाने से वो एकदम फिट लगने लगते हैं। तो आज की एकदम इजी सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं इसी तरीके की रेसिपीज के साथ साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।